एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एलकेएम द ऑफिशियल। तो आज हमारा डिनर में स्पेशल बनने वाला है कुछ, जो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ, तो वो है डोसा। तो देख, आप लोगों को भी दिखाते हैं कि हम फर्स्ट टाइम डोसा कैसे बनाते हैं। वो क्या है ना कि कल ही हमने चावल को डाला था और कल ही हमने उसको पीस लिया था, और बाद में हमने मतलब यूट्यूब पे हमने देखा था रेसिपी, और बाद में हमको पता चला, मतलब देखे होंगे पर हमको याद नहीं रहा होगा, बाद में हम देखे कि उसको 12 घंटा के लिए पीसने के बाद उसको हम रखना चाहिए, या फिर 24 घंटा भी रख सकते हैं। तो फिर भी कल हमने एक दो बना लिया था, और जो बचा था उस मतलब एक दो बनाने के बाद हम सारा रख दिए थे कि 12 घंटा होगा उसके बाद बनाएंगे, वो अच्छा से बनेगा, क्रिस्पी क्रिस्पी। तो आज हम बनाने के लिए मतलब स्टार्ट करते हैं, और इस सबसे पहले इसके लिए हमको चटनी बनाने के लिए चाहिए नारियल और कड़ी पत्ता, और धनिया पत्ता भी हमें चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम उसको लाने के लिए नीचे चलते हैं। तो देखिए, ये हम जा रहे हैं कैश लेके। कैश बहुत कम ही रहता है, फोन पे गूगल पे यही सब रहता है, लेकिन हमारा अभी गूगल पे काम नहीं कर रहा है और पेटीएम तो बंद ही होने वाला है, आप लोगों को पता ही है। तो ये हमारा कैश है जो कि माँ ही नहीं देखी है, वो छुप के उधर से देख रही है कि मम्मी के पास कैश था और हमको पता नहीं है। तो चलिए अभी हम दुकान चलते हैं। तो फाइनली हम ले करके आ चुके हैं कड़ी पत्ता, धनिया पत्ता, ये नारियल और ये दूध। चटनी बनाने के लिए हमको कच्चा नारियल चाहिए था, लेकिन हम यही ले आए। नीचे में पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम किचन में चलते हैं, और सबसे पहले हम अपना मूड फ्रेश करने के लिए अभी चाय बनाते हैं, फिर डोसा बनाते हैं। तो डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल को और उड़द की दाल को भिगोएंगे पूरे 6 से 7 घंटा के लिए। तो हम यही कटोरी में से 3 कटोरी चावल लिए थे, और इसी कटोरी में से हम 1 कटोरी उड़द के दाल को लिए थे, यानी कि जितना हमारा उड़द के दाल होगा उसका 3 गुना हमें चावल को लेना है। तो 1 कटोरी हम उड़द के दाल को लिए थे, तो 3 कटोरी हम चावल लिए थे, और इसको पूरे 6 घंटे के लिए भिगो लिए थे। अब हम उड़द के दाल और चावल दोनों को मिला करके दरदरा थोड़ा पीस लेना है, ये ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, और थोड़ा थोड़ा हल्का सा पानी डाल करके हमें पीसना है, और उसे 24 घंटे के लिए हमने इस तरह से छोड़ दिया था। और 24 घंटे के बाद अभी देख सकते हो कुछ इस तरह दिख रहा है। और हाँ, नमक आपको इसमें पहले डाल करके नहीं रखना है, नहीं तो वो खट्टा हो जाएगा। तो अभी मैं नमक डाल रही हूँ क्योंकि अभी मैं बनाने वाली हूँ, तो आप स्वाद के अनुसार नमक डालें। तो आप देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरह से घोल बन करके तैयार हो जाना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। सबसे पहले डोसा के लिए नारियल की चटनी बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने सभी को अच्छे से धो लिया है, तो ये है नारियल के छोटे छोटे टुकड़े को मैंने किया है, और उसके बाद ये थोड़ा सा रहा धनिया पत्ता, और ये रहा पुदीना पत्ता, और ये रहे मिर्च, और ये रही कुछ लहसुन की छोटे छोटे कलियाँ, और मैं थोड़ा सा ये है मूंगफली जिसे मैंने भून लिया है और उसका छिलके को उतार लिया है और अच्छे से फ्रेश कर लिया है। तो ये सभी को मिला करके मैं इसकी चटनी बनाती हूँ, और क्या बोलते हैं ना, मिर्च मैंने सबको डाल दी, नमक डालना बाकी है, तो स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे। आपको जितना चाहिए होगा नमक डाल सकते हो। इसको हम पीस लेते हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह से पीस लिया है और एक बाउल में निकाल लिया है, और अब बारी है इसकी छौंक लगाने की। तो आप देख सकते हैं कि मैंने छौंक भी लगा दिया है। तो इसमें मैं थोड़ा सा सरसों डाली थी, मिर्च डाली थी और कड़ी पत्ता डाली थी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटनी बनी थी। और आप सब देख भी सकते हो, चटनी देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है, एकदम रेस्टोरेंट टाइप वाली। चलिए अब हम बनाते हैं डोसा के लिए डोसे के मसाले को। तो इसके लिए हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है और तेल भी गर्म हो चुका है, हमने उसमें थोड़ा सा जीरा डाला और हरी मिर्च को डाला। हरी मिर्च को थोड़ा कच्चा ही रहा, उसको मैंने ज़्यादा जलने नहीं दिया जैसे सब्जी में जलाते हैं। और उसके बाद फिर हम आलू को डाले, आलू को थोड़े देर के लिए अच्छे से उसको भूने, आलू मैश किया हुआ था पूरा एकदम पतला पतला। उसके बाद थोड़ा सा हम हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा हम गरम मसाला डाले, हालांकि इसमें चाट मसाला डालना चाहिए जो मेरे पास था नहीं, तो मैंने गरम मसाला ही डाला। उसके बाद हम स्वाद अनुसार नमक डाले और थोड़ा देर हम फ्राई किए, उसके बाद हम
कच्चा प्याज डाले और कच्चा टमाटर डाले, क्योंकि डोसा में इसी तरह डालना चाहिए क्योंकि उसमें थोड़ा सा कच्चापन उसका जो है वो दूर हो जाए, और अच्छा से फ्राई भी नहीं होना चाहिए तभी वो डोसा जैसा लगेगा। उसके बाद मैंने ढेर सारा धनिया पत्ता डाला, पुदीना का पत्ता डाला और हमारा मसाला बन करके रेडी हो चुका है। चलिए फाइनली डोसा बनने की बारी आ ही गई है। तो सबसे पहले डोसा बनाने के लिए हमको नॉन स्टिक तवा चाहिए, जो कि हमारे पास है नहीं, हम जिसमें रोटी बनाते हैं उसी में बनाएंगे। तो चलिए कुछ हम इसमें ट्रिक लगाते हैं जिससे कि ये हमारा रोटी वाला तवा ही नॉन स्टिक तवा बन जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमने तवे को अच्छे से गर्म होने दिया, उस पर तेल डाला ढेर सारा, उसमें हम नमक डाले और उसको हम नमक और तेल को पूरे अच्छे तरह से जलाएंगे। धुआं धुआं जब निकलने लगेगा पूरा गर्म हो जाएगा और उसके बाद हम पूरे तवे में इसको फैला देंगे। तो हमने इसके लिए एक आलू को कट कर लिया, क्योंकि हाथ से छुएंगे भाई तो हाथ हमारा जल जाएगा, तो डोसा खाने में मज़ा भी नहीं आएगा अगर हाथ जला। तो मैंने आलू की सहायता से पूरे इधर पूरे तवे में हमने फैला दिया। तो इससे क्या होता है कि हमारा डोसा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और जैसे रेस्टोरेंट में बनाते हैं वैसा हमारा बन करके रेडी होगा। तो हम ये पूरा कर लिए, उसके बाद अब क्या करेंगे हम, वो पूरा गर्म जब हो गया तो हम ये कपड़े की सहायता से, ये देख सकते हो इस तरह का कुछ हमारा हो गया है। तो इससे क्या होगा कि नमक और तेल का जो परत है वो हमारे तवे पर चढ़ जाती है और ये नॉनस्टिक तवा बन जाती है। तो इस तरह से हम पूरा फ्रेश कर लेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा पानी डाल करके भी हम इसको फ्रेश किए थे, मतलब पूरे अच्छे से इसको हमको फ्रेश कर लेना है। पानी डाल करके एक दो बार में हम पूरे अच्छे तरह से फ्रेश कर लिया और ये हम देखिए हमारा तवा एकदम अच्छे से रेडी हो चुका है। चलिए अब डोसा बेटर को तवे पर हम गरम तवे पर डालते हैं। तो कुछ इस तरह हमने बड़े चम्मच की सहायता से इस तरह हम डालेंगे और उसको कुछ इस तरह से गोल गोल घुमा करके हम चारों साइड में उसको फैला देंगे। और देख सकते हैं ये बिल्कुल भी ज़्यादा इधर उधर चिपक नहीं रहा है, कितनी आसानी से ये एक फैल रही है और आप लोग देखिएगा कि वो कितना अच्छा से उठ भी जाएंगे। और इसको हमने 24 आवर रखा है, एक दिन पहले हम इसको पीसे थे और पूरा एक दिन के लिए रखे हैं। उसके बाद अभी लगभग बन ही चुका है, तो इस पे हम मसाला डालते हैं। और क्या है ना, मसाला है मेरे से अभी अच्छे से फैला हम नहीं पा रहे थे, क्योंकि बनाते बनाते क्या होता है ना, हाथों में आदत हो जाती है, तो अभी तो आदत नहीं हुई है इसीलिए, और हमको दोनों हाथों का सहारा लेना पड़ रहा था। लेकिन जो भी बोलो बहुत अच्छा बना था और लोगों ने काफ़ी तारीफें की और सब लोग आह आह करके खाए। अब फिर दूसरे बार भी बनाएंगे और बहुत ही अच्छी बनी थी। तो इसको फोल्ड करने के लिए हमको दोनों हाथों का सहायता लेना पड़ रहा था। तो देखिए ये कुछ इस तरह से हमारा डोसा बन करके रेडी हो चुका है। तो इसी प्रकार से हम सारे डोसे को बना लिए, जो बचा था हमारा आटा सभी को मैंने इसी प्रकार से बना लिया है और अब मेरा सब बन करके रेडी हो चुका है। तो बहुत ही अच्छा बना था और टेस्टी भी बना था, क्रिस्पी भी बना था। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो ये रहा हमारा डोसा का फाइनल लुक, यहाँ देख सकते हो हम इतना सारा एक बार ही बना लिए हैं। और ये रही डोसे की चटनी नारियल वाली।